ये जो सर्विसेज हैं शायद आप लोगों ने भी थोड़ा बहुत सुना हो, लेकिन अधिकतर इन सर्विसेज को इस तरह से दिखाया जाता है कि गाड़ी बंगला और इज्जत मिलेगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें हैं जो आप एक महीना दो महीना 100 दिन तक एंजॉय कर पाएंगे, उसके बाद इन चीजों का जो क्रेज है वो खत्म हो जाता है। ये सर्विसेज आपको उससे भी बड़ी चीज जो प्रदान करती हैं वो ये है कि आप ना सिर्फ खुद की बल्कि कई लाखों और जीवनों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने शायद नक्सलिज्म का नाम सुना होगा, नक्सलवादियों का, तो क्या है वहां पर कि दंडकारण्य करके एक इलाका है भारत में, काफी विषम इलाका है, वहां पर जो नक्सलवादी हैं वो डेवलपमेंट नहीं होने देते। तो जैसे आज आप लोग या हम लोग यहां पर बैठ करके स्कूलों में पढ़ाई कर पा रहे हैं या इवन बीमार होने पर दवा पा लेते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, ये सब सुविधाएं उस तरह के इलाकों में लोगों को नहीं मिल पाती। अब वहां पर जा करके और ये सारी सुविधाएं उन बच्चों को या उन लोगों को उपलब्ध करा पाना, इस तरह के मौके देती है हमको सिविल सर्विसेज। जैसे एक आईएएस थे सौरभ कुमार, उन्होंने वहां पर काफी काम किया, खुद जाकर के उन बच्चों को वहां की गरीबी से बाहर निकाला, उनको पढ़ाया और सारी सुविधाएं दी और उनमें से कई लोगों को इवन सिविल सर्विसेज तक भी पहुंचाया। तो इस तरह के जो मौके हैं वो आपको सिविल सर्विसेज देती है, और इस तरह का जो सपना था वो मुझ में डाला गया था। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग भी खुद से अपना एक सपना बनाइए और फिर उस सपने को हासिल करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि जो सपना है वही आपको एनर्जी देगा कि आप मेहनत भी करें और निरंतरता से मेहनत करें। अंत में मैं बस ये एक लाइन और कहना चाहूंगा कि सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।